हेलो गाइस, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि अमेरिका में सी सेक्शन से बेबी को डिलीवर करने के कितने चार्जेस होते हैं, कितना बिल आता है। मेरी अभी एक महीने पहले ही सी सेक्शन से डिलीवरी हुई है और मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस बताऊँगी यहाँ अमेरिका में किस तरह से क्या प्रोसीजर होता है और ओवरऑल कितना खर्चा आता है और कितना इंश्योरेंस पे करती है और कितना हमारे पॉकेट से जाता है। तो 14 तारीख को मेरी सी सेक्शन स्केड्यूल की गई थी। तो सबसे पहले 14 तारीख को इन्होंने मुझे फिक्स टाइम पर बुलाया और सबसे पहले मुझे ले गए प्रेप रूम में, जहाँ पे इन्होंने मुझे बेसिकली प्रिपेयर किया सर्जरी के लिए, पूरी प्रोसेस समझाई, मेरा ब्लड टेस्ट किया, मेरा ब्लड प्रेशर लिया। उसके बाद ये मुझे सर्जरी रूम में ले गए, जहाँ पर मुझे सबसे पहले एनेस्थीसिया दिया गया, ताकि ऑफकोर्स सर्जरी से पहले एनेस्थीसिया देना ज़रूरी है। उसके बाद मेरी फुल प्रॉपर सर्जरी हुई। ये देख सकते हैं मेरी यहाँ सर्जरी चल रही है और डॉक्टर सर्जरी रैप अप कर रहे हैं और इधर नर्सेज ने बेबी को क्लीन किया है और बेबी के वाइटल साइंस चेक कर रहे हैं, उसका ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हैं, उसकी हाइट, उसका वेट, उसका हेड का सरकमफेरेंस और सारे जितने भी साइंस हैं वो उसके चेक करके उसका एक डॉक्यूमेंट बना रहे हैं। और उसके बाद इन लोगों ने मुझे और बेबी को ट्रांसफ़र किया रिकवरी रूम में, जहाँ पे इन्होंने अदर के जो विजिटर्स हैं उनको अलाउ किया। जैसे मेरी मम्मी आई थी मुझे मिलने, हमारे कुछ फ्रेंड्स भी आए थे, मेरा बेटा मुझे मिलने आया। इस रिकवरी रूम में हमने दो रातें बिताई और मेरे हस्बैंड भी यहाँ पे मेरे साथ रह सकते थे, एक विजिटर यहाँ रह सकता था। और यहाँ पे बहुत सारी सर्विसेज थी, फूड अनलिमिटेड और हर तरह की सुविधाएं यहाँ पे प्रोवाइड की गई थी। इसके अलावा एक यूनिक सी थी, इनके पास एक ऑप्शन था कि अगर आप न्यू बॉर्न बेबी का फ़ोटो शूट कराना चाहते हैं तो वो भी हॉस्पिटल में ही अवेलेबल था, जो कि हमने ऑप्ट किया और हमारे अपने बेबी के बहुत सारे क्यूट क्यूट फ़ोटोज़ निकलवाए वहाँ पर। उसके बाद हम डिस्चार्ज होकर घर आए हैं 2 दिन के बाद। उसके बाद 15-20 दिन के बाद मेरे अकाउंट में ये 2-3 बड़े बिल दिखने लगे। आप देख सकते हैं 14 तारीख के 2 बड़े बिल हैं, एक $9,552 का उस और एक है $14,555। अब हम स्प्लिट करके देखते हैं तो इसकी जो डिटेल्स हैं, ये 9,000 का है, इसका जो बिल है वो सीजेरियन डिलीवरी का है और अनस्थेशिया का है, अगर आप देखेंगे डिटेल इन्फॉर्मेशन में। और 14 तारीख का जो दूसरा बिल है उसकी स्प्लिट देखते हैं तो उसका जो अमाउंट है वो उन्होंने लिया है सारी रूम सर्विसेज का, रूम सर्विस जो रिकवरी रूम का, प्रेप रूम का, मेडिकल सप्लाईज़ जो यूज़ की, लेबोरेटरी टेस्ट जो किए, ऑपरेटिंग रूम सर्विस का और जितने भी ड्रग्स मैंने ली उस टाइम पर, उस सब का ये जो अमाउंट है वो जो 14,000 वाला बिल था वो है। इसके अलावा मैं कह रही थी एक 12 तारीख का एक छोटा सा बिल है $176 का, जो कि उन्होंने 2 दिन पहले मुझे एक ब्लड टेस्ट के लिए बुलाया था, उसका ये छोटा सा बिल है। और जहाँ जहाँ आप देख रहे हैं इंश्योरेंस कवर्ड ग्रीन में, वो अमाउंट इंश्योरेंस ने पे किया है और जो ब्लैक में योर बैलेंस लिखा हुआ है वो हमें पे करना है। तो अगर हम टोटल देखें तो टोटल बिल हमारा आता है $24,000 का, जो कि ₹19,00,000 पड़ता है और इंश्योरेंस ने हमारे ₹16,00,000 पे कर लिए हैं और मेरा बैलेंस है ₹2,77,000। ये है हमारा टोटल बिल जो हमें पे करना है। तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता है और अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है, यहाँ पर इंश्योरेंस सबको लेना मैंडेटरी होता है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप भी बताइए कि आपकी कंट्री में सी सेक्शन का कितना कॉस्ट आता है। आप पहले तो किस कंट्री से ये वीडियो देख रहे हैं और आपकी कंट्री में सी सेक्शन का कॉस्ट कितना आता है, ये मुझे आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अब मैं आपको मिलती हूँ अगले एपिसोड में। बाय बाय।